वेलकम बैक टू YouTube चैनल ग्रेट में आप सभी का वेलकम है स्वागत बहुत सारा दे। तो यहाँ पर हम जो मींस कर रहे हैं जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो वही कर लिया मैंने कल मीन्स पूरा हो गया कम्पलीट मुझे रेसिप भी मिल गई सो उसके बाद मैं घर आती हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलता है एक व्हाइट सॉस पास्ते का ऑर्डर जी हाँ तो यहाँ पर मैं वही प्रिपेयर करती हूँ व्हाइट सॉस पास्ता जो की वन का है पर प्लेट तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी भी मैंने आप लोगों को पहले बता दी हूँ अभी भी आप लोग देख सकते हैं आगे मीन्स कितना रहता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है बहुत ही यमी रहता है बहुत मीन्स एकदम सॉसी बहुत ही मीन्स बहुत अच्छा लगता है अगर आपको चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए उसके अंदर तो उसका प्राइस वन हो जाएगा फिर तो फिर तो चीज़ के प्राइजेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं मीन्स बहुत मीन्स उसका मेथड भी बहुत लॉन्ग है और अच्छा अच्छा भी बनता है बहुत टेस्टी बहुत यमी बनता है उसके उसमें जो भी सामान मिलाते हैं वो सब एक्सपेंसिव रहते हैं फ्रेंड्स सो तो यहाँ पर मीन्स बहुत मुश्किल से बनता है वो पास्ता इसलिए उसका प्राइस थोड़ा हाई है सो तो आप लोग कोई बात नहीं आप मेरी रेसिपी भी आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो वो भी सेम वैसे ही है मीन्स वैसे ही बनाती हूँ मैं आ, कुछ मीन्स एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है उसमें जो मैं डालती हूँ वही मीन्स जो मैं रेसिपी में शेयर किया है मैंने वही सेम वही मेथड से मैं मीन्स बनाती हूँ कस्टमर को देने के लिए भी तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर में मगर अगर आप लोगों को बनाना नहीं हो रहा मीन्स बोलते हैं ना तरास आता है तो यहाँ पर फिर मैं ये रेडी हूँ बना के देने के लिए आप लोगों को तो यहाँ पर आप लोग मुझे ऑर्डर दे सकते हैं वन वन थर्ड वन ट्वेंटी में पर प्लेट है और जो कि बिना चीज़ के वन ट्वेंटी है और चीज़ के साथ आपको वन फिफ्टी में मिलेगा सो so, यहाँ पर मेरे पास्ते की मीन सॉस रेडी कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मींस रेडी कंटिन्यूसली हाँ मीन्स हिलाना रहता है उसका प्रोसेस थोड़ा अच्छा मीन्स उसको भी बहुत मीन्स एकदम मतलब पूरे फोकस के साथ उसको बनाना रहता है सो so, यहाँ पर वही है मीन्स बनाने वाले अच्छा भी बनाते हैं और नहीं बनाने वाले मीन्स थोड़ा सा लेजीनेस दिखाते हैं तो मीन्स अच्छा नहीं बनता उन लोगों का जितना मीन्स अगर अगर उसको लाइट लेके बनाए तो तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पास्ता किस तरह से क्रीमी वाला बन गया मेरा बहुत ही डिलीशियस बना था पास्ता बहुत ही यमी था कस्टमर को बहुत पसंद आया सो तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह से आइटम्स भी मीन्स उसमें ऐड कर रही हूँ इंग्रेडिएंट्स दो देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर वाला पास्ता रेडी है हमारा तो कस्टमर को बहुत पसंद आया आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं मुझे हाँ मैं पिज्ज़ा शॉर्मा बर्गर सब बना रही हूँ सब 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 रेडी है सब मीन्स अवेलेबल है तो आप लोग मुझे कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं साढ़े नौ के अंदर रात में तो यहाँ पर वो मैं यही बता दूँ उससे पहले फिर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हो सके तो बेलाइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो so, यहाँ पर मैं बना बता रही हूँ थोड़ा सा मीन्स इंफॉर्मेशन भी देना था आप लोगों को कि मींस जो फॉर्म आ रहे हैं वो फॉर्म में थोड़े लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बिल मीन्स जो भी सर्विस नंबर मंग रहा है इलेक्ट्रिक मीटर का वो उसमें डालना चाहिए थोड़े बोल रहे हैं नहीं डालना चाहिए तो मैंने हैदराबाद के मीन्स रिपोर्टर के मीन्स एक न्यूज़ देखा है मीन्स जो आप लोग फैशन जानते ही होंगे क्या नाम उनका कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे पर उन्होंने कहा कि जहाँ हम रह रहे हैं मीटर नंबर वहाँ का ही दीजिए मीन्स किराए का रहने दो कि ये ओन रहने दो जहाँ रह रहे हैं उसका मीटर नंबर दे दीजिए बोल के वो बोल रहे मगर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं <coughs> मीटर नंबर देने से मीन्स हम लोगों को मीन्स अगर जिसको घर नहीं है वो घर मीन्स घर नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं आप वो क्या से ये क्या झूठ है आप कुछ पता नहीं पर मैंने तो नहीं दिया मेरा मीटर नंबर सो यहाँ पर 200 यूनिट भी फ्री थे ना तो मैंने मीटर नंबर नहीं दिया अब पता नहीं है उस वो उसका फ़ायदा होगा अभी के नहीं होगा तो यहाँ पर वो और टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का जो पेंशन कह रहा था सीएम हमारा तो मतलब उसका तो कुछ लिया नहीं उसने मीन्स अकाउंट बुक अकाउंट नंबर भी नहीं लिया हमसे अकाउंट नंबर तो कंपलसरी था ना किस में डालेंगे फिर क्या <laughs> <laughs> सही है ना तो वही फिर अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या है आखिर ये मीन्स ये करने का मीन्स फॉर्म फिलअप करने का अस, असली मकसद जो कहते हैं वो क्या है आप कुछ पता नहीं है आप लोगों को पता है तो प्लीज़ बोलिए सो so, थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम